डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंजक्शन का यूज सीखेंगे कि कौन से कंजक्शन का हम ग्रामेटिकल रूप से कैसे एक प्रॉपर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं किसी एक कंजक्शन का। तो सबसे पहले हम एक छोटे से कंजक्शन से शुरू करेंगे, जैसे कि आपने भी कई बार देखा होगा। सबसे पहले हम एक कंजक्शन देखेंगे एज कंजक्शन। एज जो कंजक्शन है हमारा, एज कंजक्शन को हम सीखेंगे कि हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। इसका हम के तौर पर या के नाते, जैसे कि हम कभी कभी सेंटेंसेस में, जब किसी सेंटेंसेस का मीन्स निकल के आता है कि मैं तुम्हें बड़े भाई होने के नाते, अध्यापक होने के नाते, क्लर्क कैशियर होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते, या मैं यहाँ पर एक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं तो उस सेंटेंस में हम एज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए आप, सबसे पहले आई एम वर्किंग हेयर एज आ क्लर्क। नेक्स्ट सेंटेंसेज हो सकता है आई एम वर्किंग हेयर एज अ मैनेजर, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कहे के तौर पर, एज अ टीचर। तो ये सेंटेंस हो जाता है के तौर पर, के नाते, बड़े भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। तब हम इस फॉर्मेशन को बस याद रखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या यूज कर लेना है, बस एज का यूज कर लेना है। इस पे हम के तौर पर, के नाते, हम एज का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो कंजक्शन हमारा होता है, वो कंजक्शन हमारा आता है बट कंजक्शन। बट बहुत सिंपल कंजक्शन है, लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, इन सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं। मैंने क्लास में पहले भी आपको, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को उसके यूज सिखाए थे। एक बार और मैं इस पर उन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं अटेंड कर पाए, किसी कारणवश नहीं क्लास में आ पाए, मैं उनके लिए दोबारा फिर इस कंजक्शन के यूज़ सिखाता हूँ। कहे के लिए करते हैं, पर, परंतु, लेकिन, बल्कि, सिवाय, अलावा, इसमें भी यूज कर सकते हैं। अब इन सेंटेंसेस में जब इसका कंजक्शन का यूज आप सीखोगे तो वो एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम कैसे बट कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंसेज है, आप सबसे पहले लिखो, वह ईमानदार है पर, वह ईमानदार है, सेंटेंस है, वह ईमानदार है पर चालाक नहीं। यहाँ लिख सकते हैं हम, ही इज ऑनेस्ट बट नॉट क्लेवर, यूज कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंसेस परंतु के लिए हम यूज कर सकते हैं, सी इज इंटेलिजेंट बट नॉट स्ट्रांग, लिख सकते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस जो है, ही इज ऑनेस्ट बट नॉट क्लेवर, इस सेंटेंस में तुम्हारा पर के लिए, वह ईमानदार है पर चतुर नहीं है, चलाक नहीं है, सी इज इंटेलिजेंट बट नॉट स्ट्रांग। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, वह बुद्धिमान है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, पर, परंतु, लेकिन, बल्कि। नेक्स्ट सेंटेंस तुम लिख सकते हो, बल्कि की सेंस के लिए लिख सकते हो, सेंटेंस देखिए, ही
इज नॉट वाइज बट, ऐसा भी लिख सकते हो, ही इज फूल। अब ये सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं बट का, पर, परंतु, लेकिन, बल्कि, सिवाय, अलावा। अब सिवाय का यूज देखिए आप यहाँ कि हम सिवाय के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सिवाय मतलब छोड़कर, जैसे एग्जांपल समझ में आएगा आपके, आई कैन गो एनी वेयर, आई कैन गो एनी वेयर, मैं हर जगह जा सकता हूँ बट योर होम, तुम्हारे घर को सिवाय छोड़कर, तुम्हारे घर को छोड़कर, ऐसे लिख सकते हैं। आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर तुम ऐसे ही लिखो, आई कैन डू एनी थिंग, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, हाँ, बट ये सेंटेंस लिख सकते, बट कैन नॉट कम्प्लीट दिस टास्क, ऐसा लिख सकते हो। तो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब आपको बट के डिफर यूजेस, अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर, आप लोगों को समझ में आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट कंजक्शन आपका है, नेक्स्ट कंजक्शन आपका ध्यान से पढ़ना, फोर एज बिकॉज सिंस। अब आप ये कहोगे कि फोर और सिंस तो हम प्रीपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनका कंजक्शन की तरह में भी यूज कर सकते हैं, वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको, अच्छी तरीके से आपको समझना है। फर्स्ट कंजक्शन आप, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, आपको मैं रूल्स फॉलो करने हैं कि कहाँ फोर कंजक्शन यूज होगा, कहाँ एज कंजक्शन यूज होगा, कहाँ बिकॉज कंजक्शन यूज होगा और कहाँ सिंस कंजक्शन यूज होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे कौन सा कंजक्शन कहाँ पे यूज होगा। हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो तुम्हारा बिकॉज कंजक्शन है, बिकॉज बिकॉज कंजक्शन हमेशा वाक्यों के बीच में यूज होता है, मिडिल, ठीक है, एट द मिडिल ऑफ सेंटेंसेस, हमेशा वाक्यों के बीच में बिकॉज कंजक्शन यूज होता है, प्रयोग होता है। सिंस जो कंजक्शन आपका होता है, सिंस कंजक्शन हमेशा एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों के शुरुआत में, वाक्यों के शुरुआत में प्रयोग होता है। नेक्स्ट तुम्हारे बचे फोर और एज, फोर एज कंजक्शन जो तुम्हारे होते हैं, फोर एज कंजक्शन तुम उन्हें बीच में भी कर सकते हो या बिगिनिंग में भी कर सकते हो, यानी कि जो तुम्हारे फोर और एज कंजक्शन है वो वाक्यों के बीच में भी यूज हो जाते हैं और वाक्यों के बिगिनिंग में भी, एट द मिडिल ऑफ सेंटेंसेज एंड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेज, दोनों में आपके प्रयोग हो जाते हैं फोर एज कंजक्शन। अब कैसे वो आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। सबसे पहले तुम एग्जांपल देखे, एग्जांपल देखो यहाँ, मोहन नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, मोहन नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। जो तुम्हारे फोर एज बिकॉज सिंस हैं ये किस किस के सेंस के लिए होते हैं, क्योंकि या चूंकि, इनके इन सेंटेंसेज में यूज होते हैं जहाँ इस तरह की सेंस आती है वाक्यों में। लिखो सबसे पहले, मोहन नहीं आया, मोहन डिड नॉट कम, नहीं आया क्योंकि, बिकॉज ही वाज इल, वह बीमार था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
सिंस ही वॉज अनवेल, सिंस ही वॉज अनवेल, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। अब बिकॉज जो सेंटेंस था वो वाक्यों के बीच में लगेगा, सिंस हमेशा वाक्यों की शुरुआत में लगेगा। अगर सिंस का यूज तुमने क्योंकि या चूंकि के सेंस के लिए सेंटेंसेस के बीच में कर लिया तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकल रूप से गलत होगा। इसलिए आपको हमेशा बिकॉज अगर यूज करोगे तो वाक्य के सेंटेंस में क्योंकि और चूंकि की सेंस के लिए, और अगर सिंस का यूज करोगे तो एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, हमेशा वाक्यों की शुरुआत में आप लोगों को सिंस का यूज करना है। फॉर एज का यूज आप वाक्यों के शुरुआत में भी कर सकते हैं और वाक्यों के बीच में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एज अगर हम बात करें फॉर एज की वाक्यों की शुरुआत में, एज आई वॉज अनवेल अनवेल सो आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया। दूसरा अगर फोर की बात करें, फोर वाक्य की शुरुआत में आई वॉज अनवेल, सेम सेंटेंस इज सो आई डिड नॉट कम। एज और फॉर का यूज आप वाक्यों के बीच में भी यूज कर सकते हो, इस इन दोनों के लिए कंडीशन होती है। लेकिन बिकॉज और सिंस के लिए ही होती है कि बिकॉज हमेशा वाक्य के बीच में और सिंस हमेशा वाक्यों के शुरुआत में यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस और कंजक्शन आप देखोगे, ऑल्सो इवन आइदर टू एज वेल, ये जो तुम्हारे कंजक्शन है हम इन सभी कंजक्शन का यूज भी की सेंस के लिए कर सकते हैं। जहाँ किसी सेंटेंस में भी का यूज हो हम वहाँ पर इन किसी भी कंजक्शन में से किसी भी कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त हैं, कुछ कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है आपको ये बात समझनी होगी। सबसे पहले आप देखोगे आपके जो इन कंजक्शन में से ऑल्सो टू और एज वेल कंजक्शन है, ऑल्सो टू और एज वेल कंजक्शन है, एज वेल कंजक्शन हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेज में यूज होंगे, प्रयोग होते हैं। उसके बाद ऑल्सो टू एज वेल के बाद आपके बच गया इवन और आइदर। इवन जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होता है सेंटेंसेज में यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेज में भी यूज होता है, में भी प्रयोग होता है, भी के सेंस के लिए में भी यूज होता है। चलो अब नेक्स्ट आप लोग देखोगे, नेक्स्ट क्या बचा तुम्हारा, नेक्स्ट तुम्हारा बचा आइदर। आइदर जो तुम्हारा कंजक्शन होता है, आइदर कंजक्शन तुम्हारा हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है। आइदर कहने से ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेज, हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज होगा आइदर जो तुम्हारा कंजक्शन है। अब उसके बाद तुम्हें देखना है कि अब जो तुम्हारे पॉजिटिव कंजक्शन हैं वो कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप। सबसे पहले देखो आप ऑल्सो का प्रयोग, यूज ऑफ ऑल्सो, ऑल्सो, ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद वो मेन वर्ब से पहले किया जाता है हमेशा वाक्यों में। ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद,
हेल्पिंग वर्ब के बाद वह मेन वर्ब से पहले किया जाता है। मेन वर्ब से पहले किया जाता है। पहले आप एक तरह से देखिए रूल समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं एग्जांपल भी आप लोगों को करके बताऊंगा बार बार। उसके बाद इवन, इवन का प्रयोग हमेशा वाक्यों के शुरुआत में, वाक्यों की शुरुआत में प्रयोग किया जाता है। वाक्यों की शुरुआत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद आता है तुम्हारा टू एज वेल और एदर। टू एज वेल और एदर, ये जो तुम्हारे कंजक्शन होते हैं, ये कंजक्शन हमेशा वाक्यों के अंत में होते हैं यूज, वाक्यों के अंत में हमेशा भी की सेंस के लिए, भी के प्रयोग के लिए यूज किए जाते हैं। भी के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। चलो अब एग्जांपल से आप लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन से कंजेशन को कैसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने बताया क्या, सबसे पहले मैंने बताया कि जो तुम्हारे होते हैं ऑल्सो टू एज वेल हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। इवन तुम्हारा कहाँ होगा, इवन तुम्हारा पॉजिटिव भी और निगेटिव भी दोनों सेंटेंसेज में प्रयोग होता है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि हमेशा वाक्यों की शुरुआत में यूज होता है। एदर जो तुम्हारा होता है वो हमेशा निगेटिव सेंटेंसेज में होता है हमेशा यूज। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जो तुम्हारा इवन जो तुम्हारा कंजक्शन है, इवन कंजक्शन तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज नहीं होता, ठीक है। नहीं यानी कि इवन का यूज, हम इवन का प्रयोग या यूज हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में नहीं कर सकते, प्रयोग हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को इसके कुछ एग्जांपल कराऊंगा, हर एक कंजक्शन के मैं अलग अलग कंजक्शन के मैं आपको सेंटेंसेज कराऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगे कि कैसे हम कंजक्शन करना है। आपको मोटी सी बात सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि कौन सा कंजक्शन कहाँ यूज होना है। जैसे मैंने बताया टू एज वेल इधर आपके हमेशा लास्ट में यूज होंगे, इवन आपका हमेशा वाक्यों के शुरुआत में होगा लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में होगा। एदर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होगा लेकिन एट द एंड ऑफ सेंटेंसेज होगा, हमेशा वाक्यों के अंत में एदर का प्रयोग करते हैं हम। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है आपका, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। इस सेंटेंस को हम इन सब कंजक्शन जो मैंने अभी बताए थे इन कंजक्शन का यूज करके बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंसेज है। जैसे इस एग्जांपल को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। अब देखो मैंने बताया था कि हमेशा ऑल्सो का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, आई एम गुड टू। मैंने बताया था कि टू हमेशा वाक्यों के लास्ट में यूज होगा, टू जो सेंटेंस कंजक्शन है, सॉरी। नेक्स्ट आई
आई एम गुड एज वेल, लास्ट में यूज होगा एज वेल। अब बात आई इवन, इवन पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए यूज हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर, लेकिन कहाँ यूज होगा, हमेशा वाक्य की शुरुआत में, तो लिख सकते हैं हम इवन, इवन आई एम गुड। देखो नेक्स्ट, वो भी आ रहा है। आइदर का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि आइदर हमेशा निगेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है, यहाँ पर आइदर का यूज नहीं कर सकते हम। इन चार कंजक्शन से ऑल्सो, टू, एज वेल और इवन, इन चार कंजक्शन से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं और इवन पॉजिटिव निगेटिव दोनों में यूज हो जाता है। एज वेल पॉजिटिव है हमारा, टू पॉजिटिव है हमारा, ऑल्सो पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो हमारा है सेंटेंसेज वो है वो भी आ रहा है, मानने की बात है। दूसरा सेंटेंस तुम्हारा क्या है, वो भी आ रहा है, ये सेंटेंस है जमा। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम भी ऐसे इन्हीं का यूज कर सकते हैं क्योंकि भी पॉजिटिव सेंटेंसेज है हमारा। लिख सकते हैं हम ही इज ऑल्सो कमिंग, लेकिन रूल्स का ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल रूल्स का ध्यान रखना है, कौन सा कंजक्शन कहाँ यूज होगा। जैसे कि ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद आना, तो ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही इज कमिंग टू, इस तरह बना सकते हैं। दूसरा, ही इज कमिंग एज वेल। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस हम दूसरे कंजक्शन का यूज करके इवन का ऐसा बना सकते हैं, ही इज कमिंग, बना सकते हैं सेंटेंस को। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मैं भी अच्छा नहीं हूँ, इस सेंटेंस को देखें कैसे बनाएंगे। हमें पता है कि ऑल्सो, टू, एज वेल हमारे पॉजिटिव कंजक्शन है, लेकिन हम इन्हें इससे नहीं बना पाओगे तो हम इसे कहाँ यूज करें। हमें पता है कि इवन हमारा पॉजिटिव और निगेटिव है, इवन जब हमारा इवन पॉजिटिव और निगेटिव है तो हम इसे इसके हेल्प से बना सकते हैं। यहाँ लिख सकता हूँ हम इवन आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट गुड। निगेटिव सेंटेंस में आइदर का भी यूज कर सकते हैं तो आइदर से बना सकते हैं, लेकिन आइदर कंडीशन है कि वो हमेशा वाक्यों के लास्ट में यूज होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे आई एम नॉट गुड आइदर, आइदर का यूज कर सकते हैं क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेज में यूज हो जाता है। दूसरा, वो भी मेरे साथ नहीं है, अगर ऐसा सेंटेंस हो वो भी मेरे साथ नहीं है, तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे भी उससे बना सकते हैं, निगेटिव है, निगेटिव से क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है इवन का और आइदर का, तो बनाओ इवन दे आर नॉट विद मी। नेक्स्ट दूसरा बना सकते हैं दे आर नॉट विद मी आइदर, ऐसा बना सकते हैं सेंटेंस को। अब दूसरा जो एक सेंटेंसेज है, वो जो जो कंजक्शन आपको कंफर्म हो जाएंगे, अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगे, प्रैक्टिस से और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा जब इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। दूसरा एक एग्जांपल है, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, ये तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे। अब देखो भी की सेंस के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन हैं, ऑल्सो, टू,
एज वेल, गुड, आइदर, इवन। लेकिन आपको उन बातों में सिर्फ एक ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस हमारा है, ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं का यूज हो रहा है। अब इंटरोगेटिव है, क्या से शुरू हो रहा है, और निगेटिव है, तो ऐसे उसमें इवन हमारा केवल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में यूज हो जाता है इवन, लेकिन क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज नहीं होता। तो सिर्फ तुम्हारे पास यहाँ एक ऑप्शन है, वो है आइदर ऑप्शन। तुम यहाँ लिख सकते हो, वर यू नॉट देयर आइदर, केवल एक ऑप्शन है और बाद में क्वेश्चन मार्क, ऐसे सेंटेंसेस। तो तुम ऐसे सेंटेंसेस को किससे बना सकते हो? इन सब सेंटेंसेस को तुम ग्रामेटिकल रूप से अच्छे तरीके से, इनके जो फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई और इनके यूज़ जो करेक्ट बताए, प्रॉपर यूज़, इसी तरीके से लर्न करके बना सकते हो। अदरवाइज अगर तुम इनमें भीगे सेंस के लिए कोई भी कंजक्शन इधर उधर दाएँ बाएँ करोगे तो वो ग्रामेटिकल रूप से गलत होगा और उसके एग्ज़ाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए सही मार्क्स गेन करने के लिए आपको इनका यूज सीखना ही सीखना होगा। अब नेक्स्ट कंजक्शन हमारे पास है इवन और आइदर का, दोबारा एक और यूज सीख सकते हैं हम। मैं भी